नंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन पर जजमेंट दिया, तो 16 नवंबर 2017 को मंडल कमीशन को 25 साल पूरे हुए और 25 साल होने के बाद हम लोगों ने ये विचार किया कि 25 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो मंडल कमीशन लागू हुआ उसकी क्या स्थिति है, ओबीसी के साथ में मंडल कमीशन लागू हुआ तो क्या व्यवहार हुआ। साथियों, मैं पिछले साल शरद यादव के घर में दिल्ली में गया था। शरद यादव ने मुझे राज्यसभा में उन्होंने जो सवाल पूछा था, मंत्री ने उनको लिखित जवाब दिया। लिखित जवाब में उन्होंने कहा, जो लिख कर दिया वो लेटर उन्होंने मुझे दिया, उसमें लिखा था कि मंडल कमीशन को लागू किया गया तो टोटल आंकड़ा अगर बैकवर्ड क्लासेस का ओबीसी का प्रशासन में 5.4% है। मंडल कमीशन लागू करने के दौरान भारत सरकार ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया था, तो 27% ओबीसी को 25 साल में केवल 5.4% अमल किया गया। जब 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट जाहिर किया गया था, उस समय मंडल कमीशन में यह डाटा दिया गया था, यह आंकड़ा दिया गया था, और उस डाटा में रिपोर्ट का जो डाटा था उसमें लिखा था कि आज तक ओबीसी का जो प्रशासन में जो परसेंटेज है वो 3% है। इसका मतलब ये हुआ कि मंडल कमीशन लागू होने के पहले 3% ओबीसी प्रशासन में थे और अब 5.4% हो गए हैं, तो 25 साल में 2.4% ही केवल अमल हुआ। ओबीसी के लिए 25 साल में केवल 2.4% अमल हुआ, तो 2.4% अमल हुआ और अभी देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना तो 314 बच्चे आईएएस की परीक्षा में ओबीसी के पास हुई। प्रधानमंत्री के पास उसको पोस्टिंग देने के लिए फाइल पहुंची तो नरेंद्र मोदी ने 314 ओबीसी के बच्चों की फाइल, जिनको देश भर में जिलाधिकारी बनाया जाना था या सचिवालय में बड़े अधिकारी बनाना था, उन ओबीसी के बच्चों की लिस्ट को, 314 बच्चों की लिस्ट को जिन्होंने 2 साल का ट्रेनिंग भी पूरा किया था, उसकी लिस्ट को रद्द कर दिया। ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की लिस्ट को अमल करने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार को लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 बजट पेश हो गए हैं। ओबीसी के लिए एक नए पैसे का बजट, विकास करने के लिए एक नए पैसे का बजट नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी विकास पर भाषण करते रहता है, अभी तो ऐसे लगता है कि विकास जमीन पर, धरातल पर नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी के भाषण में ज्यादा विकास होता है। केवल नरेंद्र मोदी के भाषण में विकास होता है, जमीन पर, धरातल पर कोई विकास नहीं होता है।
नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बने तो जाति आधारित गिनती का जो निर्णय मद्रास के हाईकोर्ट ने दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सरकार को नोटिस इश्यू हुई और सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। तो नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते। एक आदमी को ब्राह्मणों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया और वो ओबीसी का आदमी सारे ओबीसी के विरोध में फैसले कर रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन पर इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार ये जो केस थी, ये केस ने जजमेंट दिया, ये जजमेंट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी हो गया है कि 25 साल में केवल ओबीसी को 2.4% ही नौकरियां मिली। अगर 2.4% नौकरियां मिली 25 साल में, ये आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके मैं समझाने का प्रयास, लोगों को इतना कम लागू क्यों हुआ, अमल क्यों हुआ, तो उसका कारण है 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय असल में वास्तविक में ओबीसी के विरोध में, उसके बारे में थोड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 5 बड़े निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को दिए, उसमें पहला निर्णय था 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 52% ओबीसी को, लोगों को सुनने दो, ये साइड में रहो, अगर रिकॉर्ड करना है तो यहां आप रिकॉर्ड करो। पहला निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय ये था कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि ये निर्णय संवैधानिक नहीं है। कैसे नहीं है, कोई लॉजिक आप लोगों को देना होगा, कोई आधार देना होगा। शेड्यूल कास्ट को संविधान ने 15% रिजर्वेशन दिया क्योंकि शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% थी, तो 15% शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया। 7.5% आदिवासी थे तो 7.5% रिजर्वेशन। इसका मतलब यह है कि संविधान ने संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार किया। अगर संख्या के सिद्धांत को स्वीकार किया, संख्या के अनुपातिक सिद्धांत को स्वीकार किया, तो इसका मतलब है संख्या के अनुपातिक सिद्धांत को संविधान मान्यता देता है। अगर संविधान मान्यता देता है तो इसका मतलब यह है कि संख्या के अनुपात का जो सिद्धांत है वो ओबीसी को ही लागू करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट संख्या का जो सिद्धांत संविधान ने माना हुआ है, अगर वो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के जज मान लेते तो 52% ओबीसी को 52% आरक्षण देना पड़ता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया और 52% लोगों को केवल 27% दिया। तो पहला निर्णय है 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये निर्णय संविधान के विरोध है, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसे नहीं माना जा सकता। दूसरा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी शर्तों के साथ मिलेगा, कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या होगा, जिस ओबीसी का इनकम 1 लाख रुपया हो,
उसका बेटा या बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा। जिस ओबीसी का इनकम साल में 1 लाख रुपया होगा, उसका बेटा या बेटी महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि जो महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा वो आरक्षण लेने लायक होगा, जो ओबीसी का बच्चा आरक्षण लेने लायक होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रिमिनल एयर में आएगा। वो क्रिमिनल एयर में आता है। और जिस ओबीसी का इनकम 1000 रुपया मैंने कहा, 2000 है, 3000 है, 4000 है, यदि इतना लो इनकम है, तो वो जो बच्चा है महाविद्यालय में नहीं पढ़ेगा या नहीं पढ़ा पाएगा ओबीसी। जब ऐसा होगा तो जो ओबीसी का बच्चा महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आरक्षण दे, यानी जो आरक्षण लेने लायक नहीं है उसको कहा उसको आरक्षण मिले, जो आरक्षण उसको कहा उसको आरक्षण नहीं मिले। तो गन्ने का सारा रस चूस लिया। साथियों सभी लोगों को जय मंगला सिंह। आवाज या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें। क्रिमिनल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ये निर्णय भी संवैधानिक है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा डाटा आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने 340वां आर्टिकल लिखा। ओबीसी के लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि जब ये 340वां आर्टिकल लिखा गया तो ये खबरदारी दी गई। कृपया कमेंट करें। उसमें लिखा सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड का कहीं पर भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लिखा गया, सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखा। जब सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहां से लाया? क्योंकि संविधान में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है उसकी व्याख्या करने का अधिकार नहीं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया संविधान में लिखा नहीं है, जब संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट में बैठे हुए जो ब्राह्मण जज है उन लोगों ने अपने ही मन से इकोनॉमिक क्राइटेरिया वहां लागू कर दिया। संविधान के अनुसार जजेस को लिखे हुए संविधान की केवल व्याख्या करने का अधिकार है, अपने से संविधान लिखने का अधिकार नहीं। संविधान लिखने का अधिकार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को होता है और वो संसद में जाकर संविधान में संशोधन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, एडिशन कर सकता है और इस तरह से संविधान लिखने का काम कर सकता है। ये अधिकार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को संविधान ने दिया है और सारे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां तक केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही संविधान लिखने का अधिकार दिया गया है, केवल भारत में नहीं सारे दुनिया में। और जजेस जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं और सिलेक्टेड लोगों को इलेक्टेड लोगों का काम करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। ये भी संविधान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ये भी संवैधानिक नहीं है, इसको भी हम नहीं मानते। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन था और है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तो उनको ऐसे लगा
कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो इस बात से असहमत होकर फिर इसके विरोध में आंदोलन करेंगे, ये कहकर कि जब एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन है तो ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों नहीं है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले निर्णय दिया ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा और फिर निर्णय दिया एससी एसटी को भी नहीं होगा और 3 साल के बाद एससी एसटी का भी खत्म हो गया। साथियों मैं एक महत्वपूर्ण बात संवैधानिक व्यवस्था आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई आदमी कोर्ट में जाता है, अगर मान लो राम नरेश पटेल अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट को उसके विरोध में या उसके समर्थन में फैसला देने का अधिकार है। जब कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो उसके विरोध में या समर्थन में फैसला देने का अधिकार कोर्ट को है। मगर अगर कोई आदमी कोर्ट में गया ही नहीं, ना उसके विरोध में फैसला देने का अधिकार है ना उसके समर्थन में फैसला देने का अधिकार है, तो केस मंडल कमीशन की थी, केस ओबीसी की थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग मंडल कमीशन में पार्टी नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के भी विरोध में फैसला दिया जो उनको देने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि जज तब फैसला दे सकते हैं जब वो सुनवाई करे। एससी एसटी की बात सुनवाई अगर की जाती तो एससी एसटी का ओबीसी एससी एसटी का वकील वहां होता और वकील आर्गुमेंट करता, जज उनकी बात सुनता, सुनने के बाद सुनवाई हुई ये माना जाता और फिर उसके बाद फैसला देता, तो ये कहा जा सकता कि जज ने सुनवाई करने के बाद फैसला दिया। यहां तो सुनवाई किए ही नहीं, यहां सुनवाई किए बगैर फैसला दिया। इसका मतलब है जो जज है वो एरोगेंटली फैसला कर रहे हैं, संविधान के विरोध में फैसला कर रहे हैं। जो जज संविधान के विरोध में फैसला करते हैं ऐसे लोगों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि ऐसे जजेस के विरोध में महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो कोर्ट में उसके विरोध में अभियोग चलाया जाता है। अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है, पकड़ा गया, तो उसके विरोध में अभियोग चलाया जाता है। मगर जज के विरोध में जब कोर्ट में केस किया जाता है तो वो अभियोग नहीं चलाया जाता, महाअभियोग चलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। और बहुत बड़ा अपराध है इसलिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जजेस अगर संविधान के विरोध में फैसला करे तो ऐसे जजेस के विरोध में महाअभियोग चलाया जाना चाहिए, ये संविधान में व्यवस्था है। और चौथा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने चौथा निर्णय दिया, ये भी हम लोगों को समझना होगा। चौथा निर्णय वो भी एक बड़ा निर्णय है, वो निर्णय ये है मंडल कमीशन ने 3,743 जातियों को ओबीसी स्वीकार किया माना, तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना था कि 3,743 जाति के लोग पिछड़े वर्ग के है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पूर्व में राज्य सरकारों ने जिन जातियों को ओबीसी स्वीकार किया केवल उतने ही जातियों को ओबीसी स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, और उससे ज्यादा वाली जो लिस्ट है उसे माना नहीं जाता। इस निर्णय के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्य सरकारों से लिस्ट मांगी, उसका टोटल किया तो टोटल बना 1,998। 3,743 में से 1,998 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी माना और 1,745 जातियों को
ओबीसी माना ही नहीं। तो ये जो पांच फैसले हैं टोटल, ये पांचों के पांचों फैसले ये संविधान के विरोध में। ये पांचवा फैसला कैसे विरोध में है, आजकल सुप्रीम कोर्ट में जाट लोग गए, मराठा लोग गए, पटेल लोग गए गुजरात के, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको बैकवर्ड क्लास के लिस्ट, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसा दोहरे मापदंड वाला है वो आपको थोड़ा बता। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन लोगों का नाम बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया, इसलिए इसको ओबीसी नहीं माना जाता। मगर 3743 जातियों को मंडल कमीशन ने ओबीसी माना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार क्यों नहीं किया? वो भी तो बैकवर्ड क्लास कमीशन था। अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन का, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज कैसे कह रही है सुप्रीम कोर्ट की बैकवर्ड क्लास के लोग कमीशन ने इनको रिकमेंड नहीं किया? अगर रिकमेंडेशन ही करना संवैधानिक होने का सबूत है, तो मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को रिकमेंड किया था, तो उसमें से केवल 1998 जातियों को ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी माना और 1745 जातियों को ओबीसी नहीं माना। इसका मतलब है कि ये संवैधानिक बात नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फैसला मंडल कमीशन का संवैधानिक नहीं। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि मैं इस बात को मानता नहीं हूं, मगर ओबीसी के लोगों को अभी 25 साल होने के बाद भी पता नहीं है कि मंडल कमीशन के ऊपर जो अमल किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसकी वजह से गलत जजमेंट, उसकी वजह से सही तरीके से अमल में नहीं लाया जा रहा है। क्रीमी लेयर लगाने की वजह से ओबीसी के साथ धोखा हुआ, तो ये जजमेंट की वजह से हुआ, और जजमेंट की वजह से धोखा हुआ, अगर ये बात सही है, ओबीसी के साथ ऐसा अगर हुआ है, तो ओबीसी के नेताओं को इसके बारे में पता नहीं। अगर ओबीसी के नेताओं को पता नहीं है, तो ओबीसी के कार्यकर्ताओं को कहां से होगा? और अगर कार्यकर्ताओं को पता नहीं है, तो ओबीसी के समाज को कहां से पता होगा? अगर ओबीसी के समाज को पता नहीं होगा, ओबीसी का समाज जागेगा कैसे? और जागेगा नहीं तो फिर निश्चित रूप से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी होती है। तो ये बात हम लोगों को सही तरीके से साथियों समझना होगा कि आज 25 साल में 2.4% केवल 2.4% लागू हुआ, तो गिरजा 2.4% लागू हुआ, और 2.4% लागू हुआ तो ये 2.4% लागू हुआ 25 साल में धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी जो हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी वजह से हुई है, इसके बारे में लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। साथियों, ये मंडल कमीशन के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी के साथ जो धोखाधड़ी हुई, उसके बारे में बात मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको ईवीएम मशीन के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता, जो आज के तारीख में बहुत अहम मामला है, बहुत बड़ा मामला है, और ईवीएम मशीन की वजह से आज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार जीरो हो गया है, क्योंकि मशीन के अंदर जाने के बाद ये वोट गायब हो जाता है, या जिसको उन्होंने वोट दिया उसके बजाय वो किसी और नाम पर जमा होता है, तो इसलिए आपका वोट गायब हो जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर फैसला दिया। क्या फैसला दिया? ईवीएम मशीन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है मुक्त, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का मेंबर है, उस समय नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसने जजेस को कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। जजेस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि हम लोग ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं, तो आपके पास ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों को दूर करने का कोई सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ईवीएम मशीन में कई गड़बड़ियां हैं। नंबर एक, उसने कहा कि जब वोटर्स वोट डालने के लिए जाता है तो लाइट जलता है और बीप का आवाज होता है और वोटर्स को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता कि उसने जो वोट दिया, जिस कैंडिडेट को दिया, जिस पार्टी को दिया, उसका वोट उस कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है, ये उसको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है क्योंकि मशीन के अंदर वोट जाने के बाद, मशीन के अंदर वोट जमा होने के बाद, वो मान लो किसी ने साइकिल पर वोट दिया, किसी ने हाथी पर वोट दिया, तो मशीन में जाने के बाद वो कमल के फूल पर जाके जमा हो जाता। क्यों? क्योंकि वोटर्स को बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था, जब आप बैलेट पेपर में वोट डालते थे तो बैलेट पेपर आप देखते थे, ऐसा देखते थे, फिर चुनाव निशान देखते थे, आप देखते थे, ऐसा देखते थे, फिर चुनाव निशान देखते थे, और देखने के बाद में आपके पसंद के चुनाव निशान पर आप मोहर लगाते, अपनी हाथों से लगाते थे, अपनी आंखों के सामने लगाते थे, और लगाने के बाद आप देखते थे बराबर लगा कि नहीं लगा, तो आपको तसल्ली होती थी कि आपने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो। मगर ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद केवल लाइट जलता है और बीप का आवाज होता है, और बीप का आवाज होने के बाद में ये माना जाता है कि वोट हो गया। मगर मशीन के अंदर जाने के बाद वो किसी और के नाम पर जमा हो गया है, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो एक कमी, एक कमजोरी, ये दोष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। दूसरा दोष इस मशीन में ये था कि यदि बैलेट पेपर के दौरान जब रिकाउंटिंग होती थी तो एक एक बैलेट पेपर, एक एक ऐसा करके उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था एक एक वोट का, और फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ रिकाउंटिंग होती थी। मगर ईवीएम मशीन में वोटिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है इसलिए आपका वोट किसी और के नाम पर जमा हो जाता है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे बैलेट पेपर है तो ये दो बैलेट पेपर दो अलग अलग करके रिकाउंटिंग के दौरान जब रिकाउंटिंग होता था
वो दो बैलेट पेपर अलग अलग करके रिकाउंटिंग होता था, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब आप वोट डालते हो तो डालने के बाद में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब है मशीन के अंदर जाके आपका वोट किसी और के नाम पर जमा होता है। कौन देख रहा है? क्योंकि वोटर्स को तो देखने को नहीं मिल रहा है मशीन के अंदर उसका रिकॉर्ड। ये दूसरा बहुत बड़ा फॉल्ट। तीसरा बहुत बड़ा फॉल्ट क्या है? बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होता था, सारे चुनाव क्षेत्र का रिकाउंटिंग होता था। जब कोई कैंडिडेट रिजल्ट नहीं मांगता था तो रिकाउंटिंग की डिमांड करता था, रिकाउंटिंग होता था एज पर द रूल। जब रिकाउंटिंग बैलेट पेपर में होता था तो ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है, ईवीएम मशीन में केवल रिकैलकुलेशन होता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। लगभग 200 या 250 बूथ होते हैं विधानसभा, तो एक बूथ में मान लो चार पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे, तो चार कैंडिडेट को हर बूथ में वोट पड़ेगा। जब वो हर बूथ में वोट पड़ेगा तो हर कैंडिडेट का वोट टोटल कैलकुलेट किया जाएगा, हर एक कैंडिडेट का वोट कैलकुलेट किया जाएगा हर बूथ पर, और हर बूथ का जो टोटल होगा वो एग्रीगेट टोटल मारा जाएगा कैंडिडेट के नाम पर, चारों के नाम पर, चारों का एग्रीगेट टोटल मारा जाएगा। और चारों का एग्रीगेट टोटल मारने के बाद में जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे उसको जीता हुआ घोषित किया जाएगा। ये सिस्टम ईवीएम मशीन के अंदर। अब आपने रिकाउंटिंग की डिमांड किया, रिकाउंटिंग की डिमांड किया तो क्या होगा रिकाउंटिंग में? क्या होगा? जो हर बूथ पर हर कैंडिडेट के नाम पर जो वोट ऑलरेडी जमा हुआ है और जिसका टोटल मारा हुआ है, जिसका टोटल मारा हुआ है हर बूथ पर, जो टोटल हर बूथ पे मारा हुआ है वो केवल एग्रीगेट टोटल की रिकाउंटिंग होगी। एग्रीगेट टोटल के लिए रिकाउंटिंग होगी, हर बूथ पर हर वोट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रिकाउंट नहीं होगा। इसका मतलब है ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, इसलिए रिकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही नहीं तो रिकाउंटिंग कैसे होगा? जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक रिकाउंटिंग हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है फिजिकल वेरिफिकेशन के अभाव में वोट मशीन के अंदर दूसरे पार्टी के नाम पर जमा हो जाता है। ये ऑब्जेक्शन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लिया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है आपकी बात हम स्वीकार कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने बात को स्वीकार किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम का ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्वीकार किया। स्वीकार किया इसका मतलब है ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि अखबार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 के फैसले की आज तक खबर नहीं छापी। ये इतना बड़ा फैसला था, सारे लोकतंत्र को डिसाइड करने वाला फैसला था, लैंडमार्क जजमेंट था, मगर अखबार वालों ने इसकी खबर को नहीं छापा इसलिए आपको पता नहीं है। ये फ्रंट पेज पर लीड न्यूज में छापा जाने वाली खबर थी, अखबार वालों ने नहीं छापा। क्यों नहीं छापा? क्योंकि ब्राह्मण बनिया के अखबार है और उन्हीं लोगों को ईवीएम से फायदा हो रहा है। मान लो 3.5% ब्राह्मण है,
ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है, और ब्राह्मण लोगों को फायदा हो रहा है, बनिया लोगों को फायदा हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है, तो वो ही जो सुप्रीम कोर्ट की खबर कैसे छापेंगे? उन्होंने छापा नहीं, आपको मालूम नहीं। पढ़े लिखे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम के विरोध में, और पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। जो खबर पढ़ते हैं उसको पता नहीं है, जो खबर सुनते हैं उसको पता नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है, जो खबर पढ़ते हैं उसको पता नहीं, जो खबर सुनते हैं उसको पता नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है। लोगों को पता नहीं है, पता क्यों नहीं है? तो दुनिया में ये माना जाता है कि अपराध छुपकर किया जाता है, तो अखबार वालों ने और मीडिया वालों ने खबरों को छुपाया, इसका मतलब गड़बड़ी है, इसका मतलब है छुपकर अपराध दुनिया में किया जाता है, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा, ये डॉक्टर साहब ये कमियां होने के बावजूद भी ईवीएम मशीन हम रखना चाहते हैं, क्या ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए कोई सुझाव आपके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, क्या सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जब ईवीएम मशीन बनाया गया तो ईवीएम में जो टेक्नोलॉजी है, ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके पहले हमारे देश में एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन में क्या होता है? आप एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए जाते हो, एटीएम मशीन में रसीद बाहर आती है, रसीद में लिखा होता है आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया था, आपने 5,000 रुपये निकाला, आपके अकाउंट में 95,000 बकाया राशि बाकी है, ऐसा कागज, ऐसी रसीद बाहर आती है। अगर ऐसी रसीद एटीएम मशीन में आती है और एटीएम मशीन ईवीएम मशीन के पहले है, अगर एटीएम मशीन ईवीएम मशीन के पहले है और ईवीएम मशीन एटीएम मशीन के बाद आई है, तो ऐसी रसीद ईवीएम में क्यों नहीं आती? जब वोटर्स वोट डालता है तो डालने के बाद वोट डालने की रसीद क्यों नहीं आती? मान लो वोटर्स ने वोट डाला कमल के फूल पर, तो कागज में छपा हुआ आना चाहिए कि कमल के फूल पर वोट दिया, पंजे पर वोट दिया, हाथी पर वोट दिया, साइकिल पर वोट दिया, कटिया पर वोट दिया, ये कागज छप कर आना चाहिए। जब एटीएम मशीन में ये टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल थी और ईवीएम मशीन बाद में लाई गई, तो एटीएम मशीन की टेक्नोलॉजी विदेश से आयात करने की जरूरत नहीं थी, भारत में अवेलेबल थी। जब अवेलेबल थी तो ईवीएम मशीन में ये टेक्नोलॉजी को क्यों उपयोग नहीं किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सही, आपको इसलिए बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सही है, आपकी बात हम लोग स्वीकार करें। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाई जाए, उस मशीन का नाम था वीवीपीएटी, उसका छोटा नाम है पेपर ट्रे, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेड। वोटर, वेरिफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेड, इसका मतलब है अब ईवीएम मशीन में जब वोट डाला जाएगा तो आप वोट डालने के लिए जब जाओगे तो क्या फर्क होगा? आपने वोट डाला, लाइट जलेगा, बीप का आवाज होगा, आवाज होने के बाद पेपर ट्रेल मशीन से कागज बाहर आएगा, और कागज में यदि आपने कमल के फूल पर
मोहर लगाई, हाथी पर लगाई, साइकिल पर लगाई, पंजे पर लगाई, खटिया पर लगाई, जहां पर भी आपने लगाई वो मोहर का निशान वहां लगा हुआ कागज बाहर आएगा। 7 सेकंड तक वो कागज बाहर रुकेगा और वोटर्स को अपनी आंखों से दिखाई देगा। जिसकी आंखें कमजोर हैं उसके लिए कागज पर लाइट फेंका जाएगा ताकि वो जो मोहर का चुनाव निशान है वो उठकर दिखाई दे, ताकि कमजोर आंख वालों को भी ये दिखाई दे कि हाँ उसने जिस निशान पर वोट डाला है उसी निशान पर उसकी मोहर लगी हुई है, तो उसकी तसल्ली होगी कि हाँ मेरा वोट जो है जिसके नाम पर मैंने वोट डाला उसी के नाम पर जमा हो गया है। साथियों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास कोई जानकारी नहीं, और इस तरह से वो कागज जो है कटकर 7 सेकंड के बाद बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। गिरने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वो जो कागज का टुकड़ा गिर गया है यदि किसी कैंडिडेट ने रिकाउंट करने की मांग की कि मुझे ये घोषणा मंजूर नहीं है, फला आदमी जीत गया बीजेपी वाला, मुझे मंजूर नहीं है रिकाउंटिंग किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रिकॉर्ड के साथ साथ पेपर रिकॉर्ड होगा, कागज का रिकॉर्ड होगा, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट कागज की रिकाउंटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रिकाउंटिंग नहीं होगी, कागज के रिकॉर्ड की रिकाउंटिंग होगी। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यदि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल मशीन में कागज के आधार पर यह घोटाला पकड़ा जा सकता है। तो ये पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है क्योंकि उसमें वोटर का वोटिंग का वेरिफिकेशन भी होता है, ऑडिट होने की वजह से रिकाउंटिंग भी होता है और रिकाउंटिंग भी हो सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है और आंखों से दिखाई भी देता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो गड़बड़ी होने की संभावनाएं थी पेपर ट्रेल मशीन में वो सारी कमियां खामियां दुरुस्त कर दी गई। ये सब हो गया, सही बात है। ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 2014 को चुनाव शुरू, 2014 का चुनाव शुरू। जब 2014 मार्च में चुनाव शुरू हुआ, मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ और 16 नवंबर को रिजल्ट आया। रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली और 31% वोट में। हमने चुनाव आयोग का पुराना डाटा छानबीन किया, छानबीन करने के बाद पता चला कि 31% वोटों के आधार पर आज तक जितने भी चुनाव हुए किसी भी चुनाव में 31% वोटों के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को सिंपल मेजोरिटी अर्थात 272 सीटें नहीं मिली। सिंपल मेजोरिटी के लिए आउट ऑफ 543 272 सीटें चाहिए। तो हमने जो डाटा वेरिफिकेशन किया उसके अनुसार आज तक जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में सिंपल मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए। इतनी सीटें भी आज तक किसी भी दल को नहीं मिली। अगर किसी भी दल को 272 सीटें 31% से नहीं मिली तो बीजेपी को 31% वोटों से 283 कैसे मिली? बीजेपी को केवल 272 सीटें नहीं मिली,
बल्कि बीजेपी को 283 सीटें मिली, 11 सीटें सिंपल मेजोरिटी से और ज्यादा मिली। हैरान करने वाली बात थी, हैरान करने वाली बात थी। हम लोगों ने इसके विरोध में 2014 में अभियान शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया तो मेरा कार्यक्रम चल रहा था बॉम्बे के दादर में। एक लड़का ऑडियंस में से भागते दौड़ते डायस के तरफ आया और मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का इशू दिया। मैंने उसको पूछा क्या है, कहा कि बड़ी खबर है, कार्यक्रम होने के बाद पढ़ ले। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे बहुत धक्का लगा। उसमें बड़ी खबर थी कि चुनाव आयोग ने जून महीने चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप करने का, भंगार में बेचने का, कबाड़ में बेचने का। आपको भंगार समझ आता है, कबाड़? चलो ठीक है, कबाड़ यूज करता हूं क्योंकि कुछ इलाके में भंगार कहा जाता है, कुछ इलाके में कबाड़ कहा जाता है। आपके इलाके में जो समझ में आए वो यूज किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में स्क्रैप किया जाता है, स्क्रैप शब्द का यूज होता है। तो स्क्रैप करने का चुनाव आयोग ने ये इसको बेचने का आदेश दिया, कबाड़ में बेचने का आदेश दिया। तो हम लोग वो पेपर लेकर हाईकोर्ट के लॉयर के पास गए कि हमें केस दायर करना है। तो सुप्रीम एडवोकेट ने हमें कहा कि अखबार पे खबरों के आधार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबूत नहीं मांगते, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो ले आ। तो हम लोग कार्यकर्ता लोग आपस में विचार मंथन करते रहे और करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके तहत चुनाव आयोग को हमने आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी। हमने उनको इंफॉर्मेशन मांगा, जानकारी मांगी कि इकोनॉमिक टाइम्स में 8 लाख मशीनों को कबाड़ में बेचने का आपने आदेश दिया, क्या ये खबर सही है? हमने ये चिट्ठी लिखी। एक महीने के बाद चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया, खबर सही है, 8 लाख मशीनों को कबाड़ में बेचने का हमने आदेश दिया, ये खबर सही है। अब सवाल यह है कि 16 मई के पहले जिन मशीनों का एक महीने पहले चुनाव करने के लिए उपयोग किया गया वो मशीनें एक महीने में कबाड़ कैसे हो गई? अगर वो मशीनें कबाड़ होने लायक थी या नहीं थी ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये भी जानने के लिए मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। साथियों, चुनाव आयोग ने इन मशीनों को कबाड़ में बेचने का आदेश क्यों दिया होगा, उसका कारण, ये मशीन में ईवीएम मशीन में क्या है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में वोटिंग का डाटा जमा होता और चुनाव आयोग ने सोचा होगा यदि कोई पागल आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया और ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को सील करने का आदेश दिया तो सारे सबूत तो ईवीएम मशीन के अंदर है, हम लोगों को तो फांसी की सजा हो जाएगी, देशद्रोह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो डरे हुए थे। आमतौर पर जो चुनाव आयोग का जो डाटा होता है, लोगों का जो डाटा होता है, वो कम से कम 6 महीने प्रिजर्व किया जाना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जून महीने में ही उन्होंने उस डाटा को खत्म करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में सारे सबूत थे और अगर वो सबूत पकड़े जाते हैं तो चोरी पकड़े जा सकती है,
इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उस डाटा को खत्म करने का फैसला किया। यहां अगर कोई वकील रहता, आपके सुनने में कोई वकील है मान लो, तो वकील को यह बात मालूम है इंडियन पिनल कोड के तहत सबूतों को नष्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस। चुनाव आयोग क्रिमिनल ऑफेंस करने में लगा हुआ, सवाल खड़ा होता है कि क्रिमिनल ऑफेंस क्यों करना है, क्या कारण है, क्या वो नासमझ लोग हैं आईएएस अधिकारी जिन्होंने कम से कम 25 साल 30 साल तक नौकरी की, वो लोग नासमझ तो लोग हैं नहीं। तो एक बात, दूसरी बात, हम लोगों ने चुनाव आयोग को और एक लेटर लिखा और उस लेटर में हमने जानकारी पूछी कि ये जो मोबाइल होता है आजकल 2,000-3,000-4,000 रुपए का जो मोबाइल है आप लेते हो तो कंपनियां आपको वारंटी या गारंटी लिखकर देती है, आपने 2,000-3,000 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी तो निश्चित रूप से ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी ने आपको वारंटी और गारंटी दी होगी। तो वारंटी और गारंटी में निश्चित रूप से ये लिखकर दिया जाता है कि ये मशीन कब तक चलेगी। तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि हमें ये मशीन की जो वारंटी और गारंटी कार्ड है जरूर दिया जाए, मोबाइल वाली कंपनियां देती है तो आपको भी दी होगी, ओरिजिनल आप अपने पास रखो और डुप्लीकेट कॉपी अटेस्टेड करके हमें दिया जाए। चुनाव आयोग ने हमें ये जानकारी देने से इनकार कर दिया, उनको लगा कि कोई आदमी हमारी निगरानी कर रहा है और हमारी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनको लगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने वो भी पूछा चुनाव आयोग कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, ईवीएम मशीन टेक्निकल होती है, तो टेक्निकल मशीन कबाड़ हो गई है या नहीं हुई है इस पर फैसला लेने का अधिकार टेक्निकल एक्सपर्ट्स को है। इसलिए हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और पूछा कि आप आईएएस अधिकारी हो और नॉन टेक्निकल ऑफिसर हो, ईवीएम मशीन टेक्निकल है, तो क्या इसको कबाड़ घोषित करने के पहले आप लोगों ने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमिटी बनाई? बनाई कितने लोगों की बनाई? यदि बनाई तो कितने लोगों की बनाई? उसके नाम, उसका पोस्टल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, यदि लैंडलाइन नंबर है तो दिया जाए, और इसके लिए जितना पैसा लगता है आरटीआई मांगने का उतना पैसा हमसे जरूर दिया जाए। तो ये सारी जानकारी जब हमने मांगी तो उन लोगों को ऐसा लगा कि कोई हमारी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने हमें जानकारी देने से इनकार कर दिया। जब जानकारी देने से इनकार कर दिया तो हम लोग निराश नहीं हुए, हम लोगों ने ये सोचा कि जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग को तो अपने ईमानदारी का डंका बजाना चाहिए। अगर ईवीएम मशीन ईमानदार है, चुनाव आयोग ईमानदार है, चुनाव आयोग के अधिकारी ईमानदार है, तो उनको कोई भी जानकारी, चुनाव से संबंधित जानकारी भारत के हर वोटर्स को यदि वो मांगते देना चाहिए, ताकि लोगों को यह पता चले, लोगों को यह जानकारी हो कि जो चुनाव है वो ईमानदारी से हो रहा है। मगर चुनाव आयोग ने हमें जानकारी देने से इनकार कर दिया तो हम लोगों का ये ओपिनियन बना कि दाल में कुछ काला है, हमारा ये ओपिनियन बना कि दाल में कुछ काला है। जब मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा तो आपको लगेगा दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली। साथियों, हमने कुछ दिन के बाद खबर आई कि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो 3 राज्यों के हाईकोर्टों में हमने केस दायर, बॉम्बे,
चंडीगढ़ और पटना, तीन जगह हमने केस दायर कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के लोगों ने सुनवाई की, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के लोगों ने सुनवाई की, पटना हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसने हमारी केस आखिरी तक सुनवाई नहीं की। यानी जुडिशियरी में क्या चल रहा है ऐसे पता चलता है। तो वो सर जज का जो चीफ जस्टिस था रेड्डी आंध्रा का, उस जस्टिस का मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट, जब कंप्लेंट किया तो उसका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होने वाला था, उसका प्रमोशन रद्द हो। साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंप्लेंट की जा सकती है, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो जज है वो खुदा नहीं होते हैं, जो जज है वो ब्रह्मा नहीं होते हैं, वो हमारी तरह ही इंसान होते हैं। जिस तरह से आम आदमियां गलता गलतियां करते हैं, उसी तरह से पूर्वाग्रह जजेस में भी होते हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। साथियों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया 2018 में। हमारे फेवर में तो नहीं कहा जा सकता, मगर पेपर ट्रेल मशीन लगाने के रेफरेंस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, 2018 में लगे। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग को उसके आधार पर लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया है तो आप क्यों नहीं लगा रहे। तो चुनाव आयोग ने हमें लिखकर दिया कि नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। जब उन्होंने हमें लिखकर दिया चुनाव आयोग ने, तो हमने चुनाव आयोग को दूसरा लेटर लिखा और कहा कि प्रधानमंत्री ने आपको पैसा नहीं दिया। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या आपने राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास चुनाव आयोग ने कंप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी प्रधानमंत्री पैसा पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्या आपने राष्ट्रपति के पास कंप्लेंट किया? नहीं किया। क्या आपने चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट किया कि जुडिशियरी ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था, वो खरीदने के लिए प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट किया? नहीं किया चुनाव आयोग ने। तीसरी बात कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का प्रधानमंत्री है तो चुनाव आयोग ने सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? जैसी सर्वदलीय मीटिंग बहुत बार चुनाव आयोग बुलाया करता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा भी आपने नहीं किया। चौथा मुद्दा मैंने लिखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को क्यों नहीं बताया कि जिन मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना, वो नरेंद्र मोदी देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न नहीं कराना चाहता है और इसके लिए वो पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने जागृत करने का काम क्यों नहीं किया? ऐसा भी नहीं किया। ये चिट्ठी मैंने लिखी ये सोचा कि चुनाव आयोग इसका जवाब देगा, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं। जब चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चुनाव आयोग के ही विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के विरोध में ये चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर पहली केस भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के विरोध में दायर। जब केस दायर हुई तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, केस रजिस्टर हो गई मगर हियरिंग को नहीं आ रही थी। जब हियरिंग को नहीं आ रही थी, मेरे बाद वाली केसेस हियरिंग को आई, मेरी केस हियरिंग को नहीं आ रही, मुझे बढ़िया हैरानी हुई। मैंने हैदराबाद के हमारे आदमी को सुप्रीम कोर्ट भेजा,
सुप्रीम कोर्ट भेजने के बाद पता चला, रजिस्ट्रार ने बताया कि आपके वकील ने आपकी केस विड्रॉ कर दी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। मेरी केस, मेरा वकील, मैंने वकील को पैसा दिया, तो वकील, पैसा लेने वाला वकील मेरी केस मेरे पूछे बगैर कैसे विड्रॉ कर रहा है? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने जूनियर लॉयर को प्लान बनाकर एसएमएस किया कि आप मुझे सलाह दो। मुझे मैं खुद ही जानता था, मगर मैंने वकील को जानबूझकर पूछा, जूनियर लॉयर को, कि मुझे पता चला कि मेरे सीनियर लॉयर ने मेरी केस विड्रॉ कर दी, तो मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे पूछे बगैर केस विड्रॉ किया। तो मैं विश्वासघात का इंडियन पिनल कोड में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस वकील के खिलाफ करना चाहता हूं, आप मुझे सलाह दो। मैं खुद ही जानता था, तो वकील नहीं हूं, मगर थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं। जब मैंने ये एसएमएस जूनियर लॉयर को किया, तो मैं जानता था कि जूनियर लॉयर सीनियर लॉयर को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे ही हुआ, उसने बार बार किया। फॉरवर्ड करने के बाद सीनियर लॉयर ने जूनियर लॉयर को टेलीफोन किया और पूछा कि अमन मेहता कैसा आदमी है। जूनियर लॉयर ने कहा, बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ता, तो आपको क्या छोड़ेगा। अच्छा, फिर मेरे वकील ने उसको ये भी कहा, मैंने उसको वकील को ये भी कहा था कि बार काउंसिल में कल मैं उस वकील के सर्टिफिकेट को, उसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूं। मैं देखता हूं ये वकील अभी भरा अभी समय वकालत कैसे करता है। मेरे वकील ने ये बात भी उस वकील को बता दी कि कल ही वो एप्लीकेशन करने वाला है बार काउंसिल में। तो वकील ने उसको कहा, अरे फौरी तौर पर रोको उसको, रोको रोको, ऐसा मत करने दो, मैं कल के कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस रजिस्टर करता हूं। वकील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर करने के लिए गया, केस रजिस्टर हो गई, रजिस्टर हो गई, मुझे उसने खबर दिया। जब खबर दिया तो मुझे समझ में आया, वकील ने केस विड्रॉ नहीं किया था, चुनाव आयोग ने दबाव डाला होगा, भारत सरकार ने दबाव डाला होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा था, बीजेपी को फायदा हो रहा था, लॉ मिनिस्टर ने दबाव डाला होगा, इसलिए वकील ने विड्रॉ किया होगा। ये बात मुझे समझ में आई, क्योंकि वकील ने ये सोचा होगा कि यदि मैं जेल में चला जाऊंगा तो मेरा ही भविष्य चौपट हो जाएगा, तो मैं सरकार को बचाने के बजाय मैं अपने आप जेल में कैसा जाऊंगा। तो अपना बचाव करने के लिए उसने मेरी केस दोबारा रजिस्टर, जब रजिस्टर कर दी, फिर संकट खड़ा हो गया उन लोगों के सामने, चुनाव आयोग के सामने संकट खड़ा हो गया, सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया। और संकट खड़ा होने के बाद क्या किया कि अब दो दिन के बाद हियरिंग होने वाली है, तो दूसरी खबर आती थी कि अब दो महीने और एक्सटेंशन कर दिया, दो महीने के बाद हियरिंग होगा। मैंने अपने वकील को पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं? कहा इलाज है। क्या इलाज है? कहा कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाकर मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी केस अर्जेंट है और अर्जेंट हियरिंग के लिए लाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि यह केस जल्दी हियरिंग के लिए लाया जाए। दोबारा तारीख निर्धारित हुई, दोबारा तारीख निर्धारित होने के बाद फिर रजिस्ट्रार ने और दो महीने एक्सटेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देने के बाद फिर एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने वकील को चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेजा, क्योंकि उनको मालूम था अमन मेश्राम भी बहुत जिद्दी आदमी है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर दोबारा मैंने चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन करवाया। दोबारा मेंशन करने के बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा ऑर्डर दिया। वो तीसरी बार हमारी केस जो है वो हियरिंग के लिए आई। और कब आई? 4 जनवरी 2017। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। 4 जनवरी को जब आई, चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ 4 वकील खड़े किए, 4-4 वकील चुनाव आयोग ने खड़े किए मेरे खिलाफ, मगर एक भी वकील के पास मेरे खिलाफ आर्गुमेंट करने के लिए एक भी शब्द नहीं था। इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया था, और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चुनाव आयोग के, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की भी है मशीन के बारे में। जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे तो उसको आर्गुमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो चुनाव आयोग का जो वकील है वो खड़ा हुआ,
खड़ा होकर कहने लगा कि जैसा ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। अभी कोई आर्गुमेंट तो आई? मैंने जो अपने केस में पॉइंट रेज किए उसके बारे में आर्गुमेंट करता। जो लेटर वो पढ़ रहा था या बोल रहा था वो तो मैंने केस में बाकायदा एविडेंस के रूप में लिखा था, केस के अंदर था, जज ने पढ़ा होगा। वामन मेश्राम ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ये कोई आर्गुमेंट तो था नहीं। जज ने पूछा कैसे कैसे लेटर लिखता है, तो वकील ने कहा जज साहब तो लेटर पढ़ के सुना दो। तो जो चार पॉइंट वाला लेटर मैंने कहा कि राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, ये लेटर उसने पढ़ के सुनाया। पढ़ के सुनाने के बाद जज को लगा भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है, चीफ जस्टिस को लिख सकता है, चुनाव आयोग ने पहले ही सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने पहले भी बुलाई, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर किसी नागरिक ने ऐसा किया तो ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसलिए जज ने चुनाव आयोग के वकील को कहा चिट्ठी बाजू में रखो, बाजू में रखो। हाँ ये बताओ, जज ने वकील को पूछा वामन मेश्राम कौन सी केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया, कौन सी केस लेकर? 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ने का हमने आदेश दिया, ये मशीन आपने अभी तक नहीं लगाई। 13 को हमने आदेश दिया, नहीं लगाया। 14 को नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया, 17 में चुनाव हो रहा तो नहीं लगाया। तो आपने ये मशीन नहीं लगाया, हमने कहा लगाओ, आपने नहीं लगाया। लगाने के लिए वामन मेश्राम ने केस किया। कौन सी केस? यही ना केस है, ये कौन सा गैर कानूनी काम किया? अरे हमने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये मशीन लगाओ और चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया, तो कौन सी केस लेके आया? यही ना केस लेके आया है, इसमें कौन सा गलत बात है? जज ने पूछा कब तक लगा रहे हैं? फिर पंडित पूछा कब तक लगा रहे हैं? जो सीनियर मोस्ट लॉयर था जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, जूनियर लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा और ऊपर बैठा हुआ जज चारों वकील को देखने लगा। जज को लगा कि वकीलों के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो जज ने आवाज चढ़ाते हुए पूछा कब तक लगा रहे हो? अब वकील को लगा कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तो वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि इस विषय पर चुनाव आयोग ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए 2 महीने के बाद की तारीख दिया जाए, हम लोग अगले बार इसका जवाब दाखिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और वो चुनाव आयोग ये सोचता था कि चुनाव के पहले इस केस का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए पहले हमारी केस विड्रॉ करवाई। चुनाव में उनको यूपी के चुनाव में गड़बड़ी करनी थी और ये केस उसके पहले नहीं आना चाहिए था। अगर आता तो सारे चुनाव क्षेत्र में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश, लगाने के आदेश हो सकता था। इसलिए चुनाव आयोग ने पहले तो हमारी केस विड्रॉ करवाई, फिर बाद में डिले करवाया और फिर बाद में फिर भी समय नहीं मिला तो कहा कि और हमें समय दिया जाए। तो 4 मार्च 2017 की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी। देने के बाद 4 तारीख आई, 4 तारीख को भी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब तो था नहीं, क्योंकि सारे जवाब तो मेरे पास लिखे हुए थे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री भी दर्ज थे, तो उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया। मायावती शाम को 4 साढ़े
4 बजे टीवी पर आएगा। अब टीवी पर आने के बाद मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में धोखाधड़ी की, हमारे पुराने बामसेब के कार्यकर्ता ने हमें 2 महीने पहले ईवीएम मशीन में घोटाला होता है उसके सारे सबूत, दस्तावेजी सबूत का लेटर भेजा था, हमने उसके लेटर के तरफ ध्यान नहीं दिया। वो लेटर मैंने मायावती को भेजा था और कहा था, बहन जी आपको चुनाव में चुना लगाया जाने वाला, आप सतर्क हो जाओ। मगर मायावती मेरे लेटर के तरफ ध्यान दिए बगैर आंख लगाकर अपने चुनाव लड़ती रही, क्योंकि उसको ये लगा था 2007 में ईवीएम मशीन का फायदा मुझे हुआ, 2012 को अखिलेश यादव को हुआ, ईवीएम मशीन का दोनों को फायदा हुआ घोटाले। और दोनों को इसलिए ईवीएम मशीन का फायदा हुआ क्योंकि दोनों को चुप कराना था कि यदि उनके साथ धोखा होता है, यदि बीएसपी के साथ धोखा होता है, यदि समाजवादी के पास धोखा होता है, तो वो कहेंगे ईवीएम में घोटाला हुआ, तो हम उनको कहेंगे 2007 में घोटाला नहीं हुआ, 2012 में घोटाला नहीं हुआ, तब घोटाला तुमको बहुमत मिला तो घोटाला नहीं हुआ, और बीजेपी को बहुमत मिला तो घोटाला हो गया। उनको चुप कराने के लिए चुनाव आयोग ने 2007 में बीएसपी को फायदा पहुंचाया, 2012 में समाजवादी को फायदा पहुंचाया, दोनों को मैंने लेटर लिखा, अखिलेश को भी लेटर लिखा और मायावती को लेटर लिखा और कहा सतर्क हो जाओ। दोनों सतर्क नहीं हुए। चुनाव रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव बोलने लगे, तो रामायण में लिखा है कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब मायावती 6-6 महीने सोती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर मायावती ने खुद टीवी पर कहा कि 2 महीने पहले लेटर लिखा, इसका मतलब मायावती 2 महीने तक सोती रही। लिखित दस्तावेज देने के बावजूद साथियों, फिर उसके बाद में चुनाव आयोग ने मायावती का जवाब दिया और कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है। तो मैंने सोशल मीडिया में मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेजी सबूतों के साथ आप पर आरोप लगाए हैं, एविडेंस के साथ आरोप लगाए हैं, मेरे आरोपों का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और 2 जवाब झूठा दिया। झूठा हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस वाला मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि चुनाव आयोग ने 2 जवाब झूठे दाखिल किए। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बात बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये लोग जिस ईवीएम मशीन के बारे में, उसके ईमानदारी के बारे में कह रहे हैं, वो मशीन ईमानदार होती तो इस तरह का सारी बातें वो बिल्कुल नहीं करते अगर वो ईमानदार होते। 4 मार्च को भी कोई जवाब नहीं दिया और मायावती पर आरोप लगा दिया, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने तो दस्तावेज सबूत दिए, हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने तो सबूतों के साथ आरोप लगाया, मेरे आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग ने मेरे आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया और एक नौटंकी दिल्ली में की कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला होता है साबित कर। एक आदमी का मुझे टेलीफोन आया कि मेश्राम जी आप सारे देश भर में ईवीएम मशीन में घोटाला होता है सारे देश भर में भाषण करते घूमते हो, अब जाके दिल्ली में चुनाव आयोग की मशीन को ईवीएम में घोटाला होता है साबित। तो मैंने उसको कहा कि चुनाव आयोग ने मुझे निमंत्रण तो दिया नहीं, मैं कोई अहरिया गहरिया नत्थू खैरिया तो हूं नहीं, मैं तो नेशनल प्रेसिडेंट हूं, बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों जाऊंगा? तो उसने मुझे दूसरा प्रश्न किया और कहा कि यदि चुनाव आयोग आपको निमंत्रण दे दे, आमंत्रण दे दे, तो क्या आप जाओगे? तो मैंने उसको कहा मैं इतना गधा नहीं। तो उसने कहा क्या मतलब? मेरे का मतलब ये है
कि चुनाव आयोग को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल उठाए थे उसका कोई चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि वोटिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, वोट दिखाई नहीं देता है और रिकाउंटिंग ईवीएम मशीन में नहीं होता है। ये जो मौलिक रूप से आरोप थे ये सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, जब स्वीकार किया तो ये बात सिद्ध होती है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया तो मुझे और सिद्ध करने की क्या जरूरत है, वो तो सिद्ध हो गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सिद्ध किया और सिद्ध करने का और एक सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन खामियों को कमियों को कमजोरियों को दूर करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। ये आदेश अपने आप में दस्तावेजी सबूत है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। उसको बात समझ में आए, उसने बीच में ही मेरा टेलीफोन काट दिया। साथियों उसके बाद में 10 अप्रैल का तारीख सुप्रीम चुनाव आयोग ने मांगा, 10 अप्रैल को भी उन्होंने रिप्लाई नहीं, चुनाव आयोग के पास कोई रिप्लाई नहीं था। मेरे इतने दस्तावेजी सबूत दिए, मगर एक बड़ी घटना घटित हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में छप के आई। चिट्ठी में लिखा था वामन मेश्राम ने चुनाव कमिश्नरों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की, न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर की, अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में यदि पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए 3,567 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मंजूर नहीं करते हैं, सैंक्शन नहीं करते हैं, तो अगले हियरिंग में चुनाव कमिश्नरों को सुप्रीम कोर्ट जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। तो अपील है प्रधानमंत्री को कि जल्दी से जल्दी 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए मंजूर किया जाए। जैसे ही लेटर प्रधानमंत्री को मिला तो ये ऐसा लेटर चुनाव आयोग के इतिहास में और मंत्रिमंडल के इतिहास में आज तक किसी चुनाव कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को नहीं लिखा। चुनाव आयोग केवल लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते हैं, पहली बार चुनाव कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में 3,567 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने सैंक्शन किया मेरे केस की वजह से और चुनाव कमिश्नरों को जेल में जाने की अंदेशा की वजह से सैंक्शन हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कवरिंग लेटर के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में लेटर मिलते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने वो डॉक्यूमेंट रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी केस पर मेरे फेवर में 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया और कहा कि पेपर ट्रेल मशीन 100% मशीनों को लगाई जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मशीनें लगाई थी उसका परसेंटेज था 0.33, आधा परसेंट भी नहीं लगाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2019 के चुनाव में 15 लाख मशीनों को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। ये मशीन सितंबर 2018 को चुनाव आयोग के पजेशन में आ जाएगी और फरवरी 2019 तक ये सारे देश के कलेक्टरों के नियंत्रण में चली जाएगी और 2019 का चुनाव पेपर ट्रेल मशीन लगाकर 100% मशीनों को लगाकर किया जाए। मैं उस समय अमेरिका में था तो साथियों ने मुझे खबर दिया कि हम लोग केस जीत गए। जब मैं केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था तो इसका ड्राफ्ट हमने तैयार किया था,
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जब ड्राफ्ट पढ़ा तो कहा किसने लिखा, हमने लिखा। कहा कि आप वकील हो, कहा नहीं, आप कैसे लिख सकते हैं, अरे तो लिखा था, आपने लिखा नहीं, इतना तो है ना आपको, हमने केस दिया, आपने तो लिखा नहीं, दूसरे वकील ने भी नहीं लिखा, तो फिर किसने लिखा होगा, तो हमने लिखा। उसको इस बात का हैरानी थी कि इतना बेहतरीन ड्राफ्ट कैसे लिखा जा सकता है। तो सीनियर लॉयर ने हम लोगों को ऑफर दिया, आप हमारा जूनियर बन सकते हैं, हम आपको इतना लाख रुपया महीने का देंगे। हम लोग वकील नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हमको ऑफर दे रहा था कि आप हमारा जूनियर लॉयर बनिए। हमने इतना बेहतरीन किस्म का ड्राफ्ट उसमें लिख कर दिया था, क्योंकि वकील लोगों को, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर जो बहुत सारे हमारे संगठन में हैं, मैं उनको बहुत सारे मुद्दों पर सवाल सलाह देता हूं। मेरे पास में वो सर्टिफिकेट नहीं है, मगर हम लोगों को आंदोलन चलाने के लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तो आदमी को निश्चित रूप से जानकार होना जरूरी है, तभी जाकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। साथियों, जब फैसला हमारे फेवर में आया, जब मैं अमेरिका से भारत आया, तो जब मैंने जजमेंट पढ़ा तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधा जजमेंट दिया, आधा जजमेंट छोड़ दिया। मैं 100% जजमेंट चाहता था, वो आधा जजमेंट दिया। जब आधा जजमेंट दिया तो आधा जजमेंट क्यों नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया, वो आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत अहम। महाराष्ट्र के विधानसभा में अमरावती में प्रोफेसर राणे नाम का प्रोफेसर विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था। जब उसका रिजल्ट आया तो जिस बूथ पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने के लिए गया था, अपने समर्थकों के साथ गया था, अपने रिश्तेदारों के साथ गया था, अपने बीवी को वोट डालने के लिए गया था, तो उस बूथ पर जब काउंटिंग हुआ तो वोट जीरो निकला। उसने अखबार वालों को बुलाकर कहा, पेपर ट्रेल मशीन लगी थी, कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट ना दिया हो, मेरे प्रचारकों ने मुझे वोट ना दिया हो, मेरे समर्थकों ने मुझे वोट ना दिया हो, ये बात मैं समझ सकता हूं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट ना दिया हो सकता है कि जिंदगी में कभी मेरे बीवी को मैंने झापड़ झुपड़ मारा हो और उसने सोचा हो कि राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने भी मुझे वोट ना दिया हो सकता है ऐसा हो गया हो, मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डाल। कम से कम एक वोट प्रोफेसर को निकला, अरे ये तो निकालते हैं, उस बूथ पर एक वोट भी नहीं निकला। उसने मुझे टेलीफोन किया, जब उसने मुझे टेलीफोन किया तो मैंने उसको सलाह दिया, ऐसा करो मौलिक तौर पर अधिकारी को लिख कर दो कि मुझे सारे बूथ का डाटा चाहिए और उसका पैसा भर दो। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सारा डाटा उसको दे दिया, उसमें वो डाटा भी शामिल था कि जिस बूथ पर कैंडिडेट वोट डालने के लिए गया था उस बूथ पर जीरो वोट निकला। पहले हम प्रचार करते थे वोटर्स का वोट गायब होता है, मगर यहां तो कैंडिडेट का वोट गायब हो गया। हम तो ये भी प्रचार नहीं करते थे कि कैंडिडेट का वोट गायब होता है, मगर जो मशीन से गायब करने वाले लोग होते हैं, हेराफेरी करने वाले लोग होते हैं, वो लोग वोटर्स का वोट और कैंडिडेट के वोट में फर्क नहीं कर पाते, इसलिए कैंडिडेट का भी वोट गायब होता है। तो साथियों, तो मैंने उसको सलाह दिया और अधिकारियों ने वो डाटा लिख कर दिया, स्टैंप लगा के साइन लगा के डाटा दे दिया। उसको हमने ये भी सलाह दिया कि उस अधिकारी को आप रिकाउंटिंग करने की मांग करो। तो उस अधिकारी को रिकाउंटिंग की मांग किया, उसने ये भी लिख कर दिया कि रिकाउंटिंग नहीं हो सकता, तो उसने रिकाउंटिंग नहीं हो सकता ये लिख कर दिया। जब उसने ये लिख कर दिया कि रिकाउंटिंग नहीं हो सकता, तो हमारे लोगों ने उसको पूछा, चुनाव आयोग के अधिकारी को, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है रिकाउंटिंग हो सकता है, होता है, होगा, पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिकाउंटिंग होगा, आप कहते हो नहीं होगा, कौन बड़ा है, अधिकारी बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? संविधान की व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अधिकारियों को अमल करना चाहिए। यह डाटा हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया, जब यह डाटा हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया तो सुप्रीम कोर्ट को
ये निर्णय करना चाहिए था। उस दौरान अधिकारियों ने हमें ये लिख कर दिया कि क्यों नहीं हो सकता। उसने तीन रूल बताए। रूल नंबर एक में लिखा था, बहुत मौलिक बात है, जिस कैंडिडेट को सेकंड नंबर के वोट पड़े हो उसी कैंडिडेट को रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार हो। पहला रूल बनाया। ये रूल कांग्रेस और बीजेपी के फेवर में, क्योंकि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो बीजेपी उसका विरोधक होती है। अगर बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़ते हैं तो वो रिकाउंटिंग की मांग नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़ते हैं वो भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है दो पार्टियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ने अपने हित के लिए ये रूल बनाया कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे, और अगर दोनों को सेकंड नंबर के वोट पड़ेंगे तो दोनों लोग रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेंगे। रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेंगे तो ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है वो चलता रहेगा। अगर रिकाउंटिंग होती है तो कागज के टुकड़ों की गिनती होगी, कागज के टुकड़ों की गिनती होगी तो ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है घोटाला पकड़ में आ जाता है। ये रूल कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बनाया, पहली बात। दूसरा रूल, दूसरे रूल में उन्होंने लिखा, जिस बूथ में डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, उस बूथ का रिकाउंटिंग हो सकता है। जिस बूथ में डिस्प्यूट है उसमें रिकाउंटिंग होगा। इसका मतलब यह है दूसरे बूथ में रिकाउंटिंग नहीं होगा। जब बैलेट पेपर में चुनाव होता था तो सारे चुनाव क्षेत्र का रिकाउंटिंग होता था, मगर ईवीएम मशीन में केवल एक बूथ का होता है। इसका दूसरा मीनिंग यह है कि दूसरे बूथ में जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को रोकने के लिए केवल एक बूथ पर रिकाउंटिंग होगी, ऐसा रूल बनाया। तीसरा रूल बनाया। तीसरे रूल में लिखा, हारने वाला कैंडिडेट रिकाउंटिंग के बाद जीत सकता है, अगर जीत सकता है तो ही दूसरे नंबर का जो रूल है वो अप्लाई होगा, यानी रिकाउंटिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीनों के तीनों रूल रिकाउंटिंग ना करने के लिए बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया और चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग ना करने का रूल बनाया। देखो बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं कि चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग करने का आदेश दिया और चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग करने के रूल बनाने चाहिए थे, उन्होंने रिकाउंटिंग ना करने के रूल बनाए। जो लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है ये इस बात का सबूत है। क्या सबूत है दस्तावेजी? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का लॉ मिनिस्टर था, चुनाव आयोग का कमिश्नर कांग्रेस का अपॉइंटी था, उन्होंने ये रूल बनाया और ये रूल ऐसे बनाए, रिकाउंटिंग ना करने के रूल बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि केंद्र सरकार जानती थी, लॉ मिनिस्टर जानता था और चुनाव आयोग जानता था। क्या जानता था? ईवीएम में घोटाला होता है, मगर ये घोटाला किसी को भी पकड़ में नहीं आता है। केवल पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज बाहर आता है, अगर उस कागज की गिनती होती है तो ही ईवीएम मशीन के अंदर का घोटाला पकड़ में आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो रही है, ये कागज तो स्टैंप लगाया हुआ कागज बाहर आ गया, इसमें तो गड़बड़ी होती नहीं है। इसलिए यदि कागज की गिनती होती है तो ईवीएम के अंदर का घोटाला पकड़ के आ जाता है। इसलिए कांग्रेस ने, लॉ मिनिस्टर ने और चुनाव आयोग ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग करने का आदेश देने के बावजूद भी
रिकाउंटिंग ना करने का रूल फ्रेम किया, ये ना करने का जो रूल फ्रेम किया वो मेरे पास लिखित है। मैंने ये लिखित रूल सुप्रीम कोर्ट को दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर दिए, और इसके आधार पर दिए कि उन्होंने रिकाउंटिंग करने का काम नहीं किया। जब रिकाउंटिंग करने का काम नहीं किया, ये रूल मैंने दिए, सुप्रीम कोर्ट को दिए, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर फैसला देना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया तो यह हैरान करने वाली बात, क्योंकि हमको क्या बताया जाता है, अदालतें सबूत की मोहताज होती हैं। हमने अदालतों को सबूत दे दिया, जब अदालतों को सबूत दे दिया तो अदालतों ने फैसला क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था। यदि सुप्रीम कोर्ट ये जो तीन रूल है अगर उसको स्क्रैप करती है, इसको रद्द करती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन भी है, क्योंकि सेकंड नंबर के कैंडिडेट को मांग करने का अधिकार है, तीसरे नंबर के कैंडिडेट को मांग करने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रूल। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं, इसलिए मैंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। जब दोबारा केस दाखिल कर दिया, अभी हमारी हियरिंग होने वाली है, सबूत तो सारे हमने दे दिए हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कोर्ट में जाने के बाद भी, यदि दस्तावेजी सबूत देने के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उन रूल्स को स्क्रैप करने का, रद्द करने का निर्णय नहीं किया, तो आने वाले 2019 के चुनाव में हम लोग ईवीएम मशीन को वोट डालने के दौरान तोड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो संविधान ने SC/ST/OBC माइनॉरिटी को वोट का अधिकार दिया, वो वोट का अधिकार तो जीरो हो गया, जिसके आधार पर हम लोग इस देश में संविधान अमल में लाने की कोशिश कर सकते हैं, वाला तो खत्म हो गया, हमारा वोट तो खत्म हो गया, वोट का अधिकार ही खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हमारा वोट किसके नाम पर जमा हो रहा है। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बावजूद भी काउंटिंग तो ईवीएम मशीन की होती है, पेपर ट्रेल मशीन की तो होती ही नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, और भारत में ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस केवल हमारे पास और किसी के पास भी नहीं, किसी के पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, केवल हमारे पास है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया। तो आने वाले समय में हम न्याय की अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों के आधार पर अगर ये रूल स्क्रैप कर देती है तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए, और अगर ये रूल सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप नहीं करती है तो बीजेपी चुनाव जीत जाए। हमने ये निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों ने अभी यकीन करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद इसके विरोध में फैसला देने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया हमने, और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देती है तो हमारे सामने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम मशीन को तोड़ने फोड़ने का 2019 में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। तो हम लोग प्लान बना रहे हैं, आने वाले समय में सारे देश भर में ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे, ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे, संविधान की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम ऐसा करेंगे, मगर कब करेंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद भी अगर फैसला नहीं दिया तो। अगर संवैधानिक संस्था है अपना काम नहीं करती है तो फिर हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे फोड़ेंगे और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार रहेंगे।
क्या आप लोग भी जेल में जाने के लिए संविधान की रक्षा करने के तैयार हो? हाथ खड़े करो। धन्यवाद साथियों। ये आने वाले समय में हम लोग इसकी सारे देश भर में लड़ाई शुरू करने वाले हैं। सारे देश भर में अभियान चल रहा है। 2018 में सारे देश भर में अभियान चलेगा, साल भर चलेगा, सारे देश भर में चलेगा। अभी हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम चलाया जिसमें कम से कम 50,000 संगठन सारे देश भर में इकट्ठा करने की योजना है, और 50,000 संगठन लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं, और उसके आधार पर ये आंदोलन आने वाले समय में हम लोग चलाएंगे। आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, जय मूलवासी। भवन मिश्राम साहब का स्पीच खत्म हो गया है, अब इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को फिनिश करते हैं। जय भीम, जय मूलवासी। साथियों, जो लोग